For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. Hey friends, this is Shubham. एक बार फिर हाजिर हूँ Big Boss के नए review के साथ. Review start करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक सबसे बड़े topic के ऊपर. जी हाँ, वो topic है footage का. आपने Big Boss में आए दिन ये शब्द सुना ही होगा और ऐसा हमें देखने को ही मिलता है कि आए दिन हर कोई ना कोई footage के चक्कर में हंगामे करता दिखता है. लेकिन हमें एपिसोडों में ये चीजें देखने को बीते मिलती हैं कि कई लोगों की जो फुटेज होती हैं वो सभी लोग एक साथ घर में दिखाई नहीं देते. कई बार कोई ज्यादा हंगामा करता है तो पूरे दिन के शो में वही दिखता है, या कोई रोता हुआ दिख रहा है, या किसी की लड़ाई हो गई है, तो कोई एक या दो जने ही ऐसे होते हैं जो पूरे दिन के शो में अपने आप की लाइमलाइट को बटोर पाते हैं. लेकिन अगर बात करें कल के एपिसोड की तो उसमें हर एक बंदा हमें लाइमलाइट में आता हुआ दिखा. हर किसी ने अपना रोल करा. कोई अच्छा करता हुआ दिखा, कोई बेकार करता हुआ दिखा, किसी पर डांट पड़ती हुई नजर आई तो कोई लड़ता हुआ दिखा. तो इन्हीं सब में पूरा का पूरा बीता एपिसोड निकला बिग बॉस का. तो चलिए हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसी टॉपिक पर. बात कर लेते हैं शो की स्टार्टिंग की. तो हमें देखने को मिलता है कि किस तरह सिद्धार्थ शुक्ला और सना जो जेल में थे उनकी जेल की सजा खत्म होती है और वो दोनों बाहर आके कमरे में हमें आते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद बिग बॉस घर वालों पे एक बम फोड़ देते हैं. जहां हमें देखने को मिलता है कि बिग बॉस यहाँ पे टास्क देते हैं जितने भी लड़के नॉमिनेशन में थे उनमें से किसी दो को बचने का. अब यहाँ पे टास्क में जोड़ी बनाई जाती है, जिस जोड़ी में हमें देखने को मिलता है कि अब्बू जी और आसिम एक जोड़ी में आते हैं और दूसरी तरफ हमारे पारस और सिद्धार्थ डे आते हैं. अब यहाँ देख के कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि बिग बॉस अपने गेम को एक सीधे तौर पर दिखाना चाह रहे हैं. उनको ये लगता था कि जो जोड़ी बनाई है उसमें जो जोड़ी सबसे कमजोर दिख रही थी वो आसिम की अब्बू जी के साथ थी. क्योंकि अगर बात कर ले आसिम की तो हमें देखने को मिला कि बीते पुराने एपिसोडों में अगर कोई भी टास्क ऐसा उन पे आता है जिसमें उन पे टॉर्चर हो तो बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जो जोड़ी सबसे पहले खड़ी होगी वो आसिमा और अब्बू जी की होगी, क्योंकि अब्बू जी की उम्र बहुत ज्यादा है और ऐसे टॉर्चरों को झेलने के लिए शायद वो तैयार ना हो. लेकिन जब टास्क स्टार्ट होता है और जब खत्म होता है तो आप सभी ने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं था. अब बात कर लेते हैं इस टास्क की. टास्क स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि आरती जाती है सिद्धार्थ डे के पास और आरती वहां जाके उनको गुदगुली करती हुई दिखाई देती हैं, जहां पे वो उन्हें इरिटेट करना चाहती थी. लेकिन जब ये मजाक में चालू हुआ टास्क अलग मोड़ ले लेता है तो घर में एक हंगामा सा ही मच गया. हमें देखने को मिला कि सिद्धार्थ डे ने किस तरह के शब्द आरती के लिए यूज करे और उन्होंने सना को भी बहुत गालियां देते हुए नजर आए, जो बाद में बीप करती दिखाई दी गई हमें. अब यहाँ बात यह है कि जो जो शब्द सिद्धार्थ डे ने पूरे दिन बोले वो बहुत ज्यादा खराब थे. आप उन्हें टीवी पर देख नहीं सकते और आम जिंदगी में भी आप किसी लड़की को ऐसे शब्द नहीं बोल सकते जो सिद्धार्थ डे ने बोले. और इन सारी जो बातें उन्होंने बोली उससे आरती बहुत ज्यादा बुरा मान गई और उसके बाद घर में अलग ही हंगामा देखने को मिला. अब यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमें देखने को मिली कि किस तरह जो सिद्धार्थ डे अब यहाँ पे सेलिब्रिटी की तरह आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार बिग बॉस को सेलिब्रिटीज के लिए कॉमनर्स की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऐसे सेलिब्रिटीज बिग बॉस ने चुनके घर में लेके आए हैं जो कॉमनर से ज्यादा नीचे गिरकर हरकत हमें करते दिख रहे हैं. क्योंकि बिग बॉस के शो में जो इससे पहले कॉमनर्स आए थे उन्होंने बहुत ऐसे हंगामे करे थे, लेकिन सेलिब्रिटीज हमेशा अपनी इमेज को लेकर बसते हुए नजर आए थे. पर बात करें इस बार के सेलिब्रिटीज की, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा. उन्होंने अपने हंगामे इस कदर बढ़ा दिए हैं कि लोगों को जो बाहर दर्शक देख रहे हैं उनको भी शर्म आ रही है. सिद्धार्थ डे की बात कर लें, उन्होंने जो जो चीजें यहाँ पे बोली आरती को सना को वो बहुत ज्यादा खराब थी, जो शायद आने वाले एपिसोड में सलमान खान भी उन पे इस चीज को लेकर बात करते नजर जरूर आएंगे. इससे एक चीज तो साफ है कि सिद्धार्थ डे की जो बची कुची इमेज इस घर में बची थी वो भी उन्होंने खुद ही खत्म कर ली. और इसके बाद क्या होगा उनका आने वाले शो में टाइम में वो देखना होगा. अब बात करते हैं दूसरे कंटेस्टेंट की. यहाँ बात कर ले माहिरा की. माहिरा पूरे दिन में अपने गेम में एक चीज देखने को मिली उनके द्वारा कि वो बसती हुई नजर आई इस टास्क से, क्योंकि उन्होंने टास्क के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि किस तरह से यहाँ पे दूसरी तरफ आसिम है तो इस तरफ पारस है, तो वो किस तरह जाएं उनको समझ नहीं आ रहा था. तो यहाँ पे माहिरा बहुत सेफ खेलती हुई हमें नजर आई. माहिरा दोनों ही तरफ जा जाके उन लोगों को पानी दे रही थी मुंह धुलवाने के लिए, अगर उन्हें कुछ खाने के लिए या पीने के लिए चाहिए वो ला ला के दे रही थी. तो इससे एक चीज साफ थी कि माहिरा ने बड़ा न्यूट्रल होकर इस गेम को खेला और वो ज्यादा बीच बचाव में आई नहीं. लेकिन हाँ, अगर बात करें उनकी सिद्धार्थ शुक्ला से लड़ाई की तो उसमें बीच में आती दिखी और वहां पे वो थोड़ा हंगामा करती हुई दिखाई दी. अभी बात कर ले दूसरी तरफ हम क्या बात करते हैं यहाँ पे आरती की. आरती ने भी बहुत ज्यादा हंगामा करते हुए दिखाई दी. इसके साथ जो दो और थे, यानी हम बात कर रहे हैं शेफाली की देवोलीना के साथ, इन दोनों का तो अलग रूप हर बार ही हमें टास्क में देखने को मिलता है और वो यहाँ भी देखने को मिला.
जिस तरह देवोलीना यहाँ पे आसिम के ऊपर हमला बोलती नजर आई वो तो बहुत ही अलग था, क्योंकि देवोलीना जब टास्क नहीं होता है तो घर में बहुत ज्यादा सीधी दिखती है और ऐसा लगता है कि शायद ये बिग बॉस के लिए बनी नहीं, लेकिन जैसे ही टास्क चालू होता है वहां पे अलग ही देवोलीना हमें देखने को मिलती है। उन्होंने जिस तरह घर का जो सामान मिला वहां पे, चाहे हल्दी की बात कर ले, लाल मिर्च की बात कर ले, पाउडर हो, सब कुछ वहां पे आसिम के ऊपर उड़ती हुई नजर आई। यहाँ बात करें आसिम की तो शायद किसी को ऐसा मानना नहीं था कि आसिम इस तरह का गेम यहाँ पे किसी को दिखा देंगे, क्योंकि जिस तरह आसिम यहाँ पे खड़े होकर लड़ते आए नजर आए हम सभी को, इसमें एक चीज तो है कि आसिम जो भी घर के बाहर उनको देख रहे हैं उनकी निगाहों में बहुत ज्यादा ऊपर आ गए हैं और वो हर किसी के चहेते बनते जा रहे हैं। अब हो ना हो आसिम का गेम भी यहाँ से चालू हो गया है, क्योंकि आसिम बहुत ज्यादा उभर के आए और उन्होंने जिस तरह इस गेम को खेला वहाँ हर किसी का उन्होंने दिल जीता। वहीं बात कर ले अब्बू जी की, तो अब्बू जी ने भी जिस तरह से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से टिकेंगे, वो भी वहाँ बैठे रहे और पूरी तरह साथ देते रहे। यहाँ पे अब्बू जी और आसिम की जोड़ी तो देखते ही बन रही थी, जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आसिम ने अब्बू जी को कहा कि अगर मैं बेहोश भी हो जाऊं तो भी मेरा हाथ पकड़े रहना, जिससे एक चीज तो साफ है कि आने वाले टाइम में आसिम एक बहुत बड़े गेम प्लेयर यहाँ पे इस घर के अंदर हमें बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं शेफाली बग्गा की। शेफाली बग्गा ने भी अपना वही अंदाज इस टास्क में दिखाया जिसके लिए वो जानी जाती हैं। उन्होंने आके वो हर चीज हर हथकंडे अपनाए आसिम और अब्बू जी को खड़े करने के लिए, तब लेकिन उनका कोई भी प्लान वहाँ पे कामयाब होता नहीं दिखा, जिसकी वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी होती हुई घर में दिखी और हंगामे करती हुई नजर आई। लेकिन जो सबसे बड़ी टॉपिक इस घर में हुआ था वो था आरती का जो सिद्धार्थ डे के साथ हुआ। इसके बाद आरती बार बार बीच बीच में सिद्धार्थ डे के पास हमें जाती दिखी, उनको वो परेशान करती हुई नजर आई। इसके बाद सिद्धार्थ डे वहां उनसे कभी माफी मांग लेते, लेकिन जैसे ही फिर उन पर टास्क की बारी आती उन पर हमला होता वो फिर गाली गलौज यूज करने लग जाते थे वहां पे, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा ये टास्क बहुत ज्यादा हद तक बुरा होता जा रहा था। कई बार देखने को मिला कि किस तरह बिग बॉस ने भी यहाँ रोकने की कोशिश करी, कई बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं था। यहाँ हर कोई एक दूसरे को खड़ा करना चाह रहा था और दूसरा अपशब्द का यूज करता हूँ हमें यहाँ नजर आ रहा था एक दूसरे के ऊपर। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि किस तरह आरती यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला को वो सारी बातें एक एक करके बताती हैं जो सिद्धार्थ डे ने उन्हें बोली थी। फिर क्या था, सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पे अकेले खड़े हो गए और लड़ने चले गए यहाँ पे सिद्धार्थ डे से। एक चीज जो हमें देखने को मिली कि जितनी भी लड़कियां थी, जब सिद्धार्थ डे ने यहाँ पे आरती के लिए ऐसी बातें कर रहे थे, कोई भी लड़की वहां उनके लिए खड़ी होती नहीं दिखी। वहां पे अगर बात कर ले बस रश्मि की, रश्मि हमें एक बार ये क्या दिखी कि अभी बात मत करो बाद में कर लो, लेकिन अगर यही चीजें रश्मि पे आती हैं तो रश्मि वहां पे तुरंत लड़ने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन यहां पे अगर एक लड़का किसी लड़की को ऐसी बातें कर रहा है तो एक भी लड़की वहां ऐसी नहीं थी जो आके इस चीज के लिए स्टैंड लेती नजर आ रही हो या कुछ ऐसा बोलती नजर आ रही हो कि वो आरती के सपोर्ट में थी। और यहां पे जब सिद्धार्थ शुक्ला लड़ने के लिए आए तो वहां सारी लड़कियां एकदम से उन पर चढ़ गईं, क्योंकि यहां पे बात करें रश्मि की तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जितनी भी फुटेज आ रही है वो सिद्धार्थ शुक्ला से ही उन पे आती है। इसके बाद हमें ये भी देखने को मिला कि सिद्धार्थ शुक्ला के मुंह से शायद हमें भी ये बात नहीं सुनाई दी थी जो गटर वाला टॉपिक उठ के आया, लेकिन रश्मि को तो जी मुद्दा चाहिए था और रश्मि को यहाँ वो मुद्दा मिला और उसके बाद जो रश्मि टूटी फिर तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने सीधा सिद्धार्थ शुक्ला पे धावा बोल दिया और उन पर उल्टे सीधे कमेंट वो करती जा रही थी, जिसके बाद शेफाली बग्गा भी सिद्धार्थ शुक्ला पे इस बात को लेकर लड़ती नजर आई। लेकिन फिर से सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ खड़े हुए, उन्होंने एक एक करके वो बात क्लियर करी कि उन्होंने सिद्धार्थ डे को ये बोला कि आप उन लड़कियों पे ये करिए जिन्हें पसंद हो, ना कि उन्होंने किसी एक लड़की का वहां नाम लिया था कि वो घर वालों में से जो है उनमें से कोई लड़की हो सकती है। पूरे एपिसोड में हमें सिद्धार्थ शुक्ला एक चीज तो है किसी के लिए खड़े होते दिखे, और एक चीज और देखने मिली कि जिस तरह जो रश्मि बात कर रही है उनकी घर के बाहर की इमेज की, वो अभी तक तो घर में देखने को इस तरह से मिली नहीं है कि जिस तरह उन्हें बहुत ज्यादा बुरा करके दिखाया जा रहा है। इसी के साथ ये टास्क जब खत्म हुआ तो बिग बॉस ने ये सीधा ऐलान करा कि कोई भी जब खड़े होने को तैयार नहीं था तो कोई भी उनमें से जीता नहीं माना गया और वो सारे के सारे वापस से नॉमिनेशन में गए। इसके बाद एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलता है कि रश्मि अपना कार्ड खेलती हुई दिखती है। यहाँ रश्मि पारस को ये बताती है कि आप जो भी उनके बारे में सिद्धार्थ शुक्ला के जानते हैं अभी कुछ मत बोलिए, एक एक करके हम इस बात को आगे वाले टाइम में खोलेंगे और उनको फ्रंट फुट पे लेके आएंगे। जहां रश्मि ये साफ करना चाहती हैं कि वो जो सिद्धार्थ शुक्ला का बाहर का रूप है उसको हम यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि वो अभी तक बहुत छुपे बैठे हैं, वो लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब रश्मि से भी एक बात कहनी पड़ेगी कि रश्मि आप जो कर रही हैं वो कुछ अलग तो है नहीं, रोज आप एक ही चीज को लेके बैठ जाती हैं, उसी चीज के पीछे आप खेलना चाहती हैं, वो है सिद्धार्थ शुक्ला के नाम से। अगर सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगी ये तो कोई नहीं जानता। अब सिद्धार्थ शुक्ला बाद में हमें एपिसोड के एंड में देखने को मिलता है कि किस तरह देवोलीना और रश्मि की बातचीत को सुन लेते हैं, जहाँ पे एक दोनों उसकी बुराई करती नजर आती हैं, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, वो चुपचाप जाके आरती के पास बैठते हैं और वहां उन्हें ये बात बताते हुए नजर आते हैं।
अब आने वाले एपिसोड में जो आज का एपिसोड होगा उसमें सलमान किस तरह के नए हंगामे लेके आएंगे, वो क्या करेंगे जो सिद्धार्थ डे ने करा उनके लिए, क्या वो उनकी डांट लगाते देखेंगे या फिर वो जिस तरह से उनकी दोस्ती है उसके चक्कर में उनको जाने देंगे, ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। लेकिन जो भी हो, हम ऐसी रिव्यू के साथ आपके साथ आते रहेंगे। टिल देन गुड बाय। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।